कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा, इसके लिए आपके प्रति कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है, तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।